अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद जियानास। खाओ पियो ज़िंदगी जियो। उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाई साथ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता इसी तरह अपने घरों में आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। जी आज मैं काफ़ी दिनों से ना वीडियोस देख रही थी, एक क्रीम का बड़ा चर्चा हो रहा है, तो मैंने कहा वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। मैंने भी मंगाई तो मैंने कहा चलें इसका बड़े इसके मैंने अच्छे इफेक्ट भी देखे हैं, कुछ बुरे भी देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने अच्छे इफेक्ट देखे हैं। तो मैंने कहा चलें हम भी इसके साथ आप लोगों को बताते हैं, और क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा सच के साथ ही होती हूँ, तो मैंने कहा इसके इफ़ेक्ट अच्छे हैं या बुरे ये आपको मैं दिखाऊँ। तो मैं इसकी पैकिंग खोलती हूँ। अच्छा जी ये देखिए जी, ये देखिए ग्लोबन टोन, तो ये इसका पाउच है, ये इस तरह का हमें कुछ पाउच मिला है, और ये दो क्रीम हमें मिली है, और कहते हैं ये बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला है। अच्छा ये मैं आपको बता दूँ, ये जो इसमें लिखा हुआ है, अच्छा जी ये जो कहते हैं दो दिन में आपका शर्ट के साथ रंग गोरा, तो ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई आपके साथ चमत्कार नहीं हो रहा, मैजिक नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैं कहूँगी ये फेक है कि दो दिन में होता है। हाँ जी तीन चार दिन में, यानी कि 3 से 4 डेज में आपका जो रंग है वो लाइटर की तरफ आना शुरू हो जाता है, लाइटर होना शुरू हो जाता है। अच्छा कुछ लोगों की कंप्लेंट ये थी कि जी इसको बनाते कैसे हैं, हमें मिकदार नहीं पता, क्या नहीं होता। तो ये जो एक पाउच है और ये दो किरमें हैं, तो ये एक पाउच दोनों किरमों में डल के एक फार्मूला बनेगा इसका, ठीक है जी। अच्छा और अगर आपने एक क्रीम बनानी है तो आप इसका हाफ लेके एक क्रीम में डालेंगे, हाफ एक क्रीम में। अगर दोनों ले रहे हो तो आप पूरा पाउच डलेगा। और ये सबसे ज़्यादा अगर आपने बेस्ट है, अगर आपने इसको लगाना है तो फुट एंड हैंड के लिए बेस्ट है। और इसकी पैकिंग देख सकते हैं आप, इस तरह की इसकी पैकिंग है। इसको खोलो, ये मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ किस तरह का है इसका टेक्सचर। तो कुछ इस तरह का टेक्सचर है। अच्छा ये मैं दोनों किरमें एक ही बॉल में निकाल लूँगी और इसको मिक्स करके आपको हाथ पर डेमो इसका दिखाऊँगी कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। आपने जब भी इसको लगाना है, आप अगर दिन में लगा रहे हैं तो दिन में लगाएं, रात में लगा रहे हैं तो रात में लगाएं, फेस वॉश करके अच्छी तरह फेस हाथ पैर धो के। लेकिन ज़्यादातर मैं आपको रिकमेंड करूँगी हैंड और फुट, ठीक है जी, उस पर ज़्यादा बेस्ट है। और असल में लोगों की नेक भी मैंने देखी जो ब्लैक होती है, हाथ की कोनी होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अंडर आर्म्स में भी आप इसको लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो आप इसको लगा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट आपका फेयर रंग करती है, लेकिन दो दिन में नहीं, अभी भी मैं कहूँगी आप 15 दिन तक इसको लगाएं और रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ एक बॉल के अंदर। अच्छा जी देखिए मैंने ये बॉल ले लेता हूँ, इस तरह से मैं एक क्रीम निकाल लूँगी सारी इसके अंदर, और मैं इसको पैचोला से मिक्स करूँगी, इससे थोड़ा ईजी हो जाएगा। ये देखें और इसकी स्मेल बड़ी प्यारी है, यानी कि स्मेल बहुत अच्छी है। तो मैं ये सारी क्रीम इसके अंदर निकालूंगी बॉल के अंदर। और अगर मेरी सलाह माने तो अगर मैं फार्मूला तो वैसे भी हमने फेस पे नहीं लगाना चाहिए, कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं कोई सा भी फार्मूला हो। लेकिन अगर आप इसको हैंड पे और फुट पे यूज़ कर रहे हैं तो इज़ द बेस्ट। ये आपके हाथ पैरों की रंगत बिल्कुल गोरी कर देगा, बिल्कुल क्या बहुत ज़्यादा गोरी कर देगा, और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट इसका आएगा। ये आपको दराज से मिल जाएगी, ये दराज से आपको मिल जाएगी। आई थिंक ये मैंने मंगाई है 880 की, यानी कि 880 की डिलीवरी के चार्जेस के साथ। तो ये देखेंगे कुछ इस तरह से ये लोशन टाइप का है, ये देखेंगे। अच्छा इसका एक बड़ा पाउच भी आता है, आप इसको ब्लीच के अंदर मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, उपटन के अंदर भी मिला के यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप विदाउट इसको क्रीम के भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है, और ये देखें कितना क्रीमी सा टेक्स्चर है ये मैं सारी, और इसकी स्मेल भी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। देखिए जी अब मैं इसको अच्छी तरीके से इसके साथ ही मिक्स कर लूँगी। रखते हैं पैचोला, लेने का मतलब ये था कि ये देखें हमारी जो सारी क्रीम है वो यकजान एक साथ आ जाती है, और कितनी अच्छी तरीके से ये ब्लेंड हो गई है बिल्कुल। तो इसको तकरीबन मैं 10 मिनट तक फेंटूँगी, जैसे आप अंडा फेंटते हो ना इसी तरह आपने इसको फेंटना है, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और जब आपने ये बनाना है तो बाहर इसको बिल्कुल नहीं रखना है, आपने इसको फ्रिज में रखना है। बाहर अगर आप रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, तकरीबन ये क्रीम आपकी 1 महीने तक चलेगी। क्रीम रेडी हो गई है, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह का कोई भी आपके पास जार हो तो आप इस तरह के जार के अंदर इसको भर लें, और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं क्रीमी सा हो गया, बिल्कुल स्मूथ हो गई है। देखें अभी मैं आपको इसको हैंड के ऊपर भी लगा के दिखाऊंगी, और इसके अपने दोनों हाथ आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से वर्क करती है। और अच्छा जब आप इसको लगाएंगे ना
तो ये बिल्कुल स्मूथ होगी क्योंकि ये पानी छोड़ना शुरू कर देती है, बिल्कुल स्मूथ होती है, पानी छोड़ना शुरू कर देती है। तो आपने इसको बाहर नहीं रखना, आपने इसको फ्रिज में रखना है बिल्कुल। और जब भी आपने लगाना है फेस, या फेस हो, नेक हो, हैंड हो, फुट हो, तो आपने अच्छी तरह उसको वॉश करना है, फिर आपने इसको लगाना है जी। देखेंगे मैंने इस जार में डाली है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देख लें हैंड। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी अप्लाई करूँगी और अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। ये देखें, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, ये मैंने अप्लाई कर दी, बड़ी स्मूथ है, ये देखें आप देख सकते हैं, वाज़े है, ये देखें आप इसका कलर देख सकते हैं और ये वाले हाथ का कलर देख सकते हैं, कितना वाज़े है इसमें और इसमें। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, और मुझे ज़रूर इस क्रीम के फीडबैक देके बताइएगा, यूज़ कीजिएगा या हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल हार्मफुल है आपके लिए, तो जब आप इसको यूज़ कर लें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा मिला। मुझे तो इसका रिज़ल्ट ओके मिला है, ठीक है जी। तो इसलिए मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।